अम्बाला की जनता पीने के पानी को तरस गई है। करीब दो माह से पानी की समस्या से परेशान जनता ना जाने कहां कहां के दरवाजे खटखटा चुकी है। तकरीबन दो माह से पानी की समस्या से परेशान जनता ना जाने कहां कहां के दरवाजे खटखटा चुकी है, लेकिन समस्या अब तक जस की तस है। यहां तक कि 16 अगस्त को नगर निगम की बैठक में अमरूत योजना को लेकर हंगामा भी हुआ। इसमें गड़बड़ी के आरोप लगे तो निगम कमिश्नर ने अधिकारियों को चेकिंग के आदेश दिए। नहीं आ रहा सर जी, पानी आता है तो रात को 12-1 बज जाता है हमें। सर जी यहाँ तक दिन में तो पानी का नामो निशान नहीं है। कितने समय से परेशान? ये 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने से है, ज्यादा ही हो गए, बल्कि पहले बहुत टाइम से ज्यादा ये हो गया। अगर रात को कोई जरा सा आलस कर गया कि नींद आ गई तो पानी नहीं मिलेगा हमें। अगर रात को 2-2-3-3 बज जाते हैं हमें पानी, हाँ जी वहाँ से भर के ला रहे, कभी सेंटर जेल से कभी मिले प्लांट से, बच्चे लेके जा रहे, अभी तो कॉलेज स्कूल नहीं खुले हैं। चलो पानी के जैसे मर्जी बच्चे भी मिनते कर करके भर के लाते हैं, लेकिन अगर स्कूल कॉलेज खुल जाए तो हम कैसे करेंगे एडजस्टमेंट? यहाँ पानी आता ही नहीं है, कभी आप भी जाता है, हम भर के रखते हैं तो वो मतलब कि अस्पताल से आते हैं तो वो कहते हैं पानी भर के क्यों रखते हो, उसमें कीटाणु हो जाते हैं, वो हमारा नाम पता सब लिख के रखते हैं, यहाँ चलान हमारा काट। अब बताओ हमारे खाली बर्तन है, आप टैंकी भी जाके देख सकते हो, हमारे यहाँ पानी तो बहुत समस्या है। कब से दिक्कत आ रही है? ये हमारे को तो 1.5 साल से हो ही रहा है, जब से वो पानी की पाइपलाइन पड़ी है ना, जब से ही दिक्कत है, वैसे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, जब से ज्यादा। समस्या को देखते हुए निगम कमिश्नर ने अधिकारियों को आदेश दिए कि इसकी जांच करो और देखो कि कहां लापरवाही आ रही है। जिसको लेकर आज वार्ड 5 के कबीर नगर इलाके में निगम अधिकारी पहुंचे, जहां जन चेतना पार्टी के पार्षद भी मौजूद रहे। इलाके में सर्वे किया तो आरोप लगे कि 3 फीट पर डलने वाला पाइप 3 इंच पर डाल दिया गया, जिसके चलते पिछले लंबे समय से इलाके के लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। देखिए ये अमृत योजना ही हमारे अंबाला को लेकर बैठी है। आपने देखा कि जहाँ जहाँ अमृत योजना के अंदर, चाहे वो पाइपलाइन का काम हो चाहे सीवरेज का काम हो, वो सभी सीवरेज आपने देखा वो बंद पड़े हैं, और जो पानी की लाइन है वो डाली उल्टा। जो लोग पहले पानी यूज कर रहे थे वो धक्के से उनको लाइन डालकर नई समस्या दे दी गई। आप आज अभी सभी साथियों ने देखा कि कबीर नगर के अंदर जहाँ पर 1.5 साल पहले एक अच्छी तरह से पानी आ रहा था, नई लाइन डालकर लोगों को समस्या दे दी, और 3 इंच पर पॉइंट आपने देखे सभी ने कि 3 इंच पर लाइन डाल दी, जबकि 3 फुट कम से कम लाइन डलती है। और अधिकारियों ने ऐसा क्यों किया आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। उस भ्रष्टाचार को हमारी पार्टी ने प्रण लिया है कि इस अंबाला की जनता का पैसा जो है वो दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। और इसमें हमारे मेयर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी कृत संकल्प है, उन्होंने संकल्प लिया है कि अंबाला से भ्रष्टाचार मिटा के रहूंगी। और आज उसी कड़ी के अंदर सभी अधिकारियों को बुलाया गया है और उनको दिखाया गया कि ये काम क्या किया है, क्योंकि ये गहरी निद्रा में सोए हुए थे। अफसर साहबान यहाँ कभी आए ही नहीं, देखा ही नहीं उन्होंने क्या काम हुआ है। सर इसकी तरफ से देखिए ये जो लापरवाही है वो ठेकेदार और अधिकारियों दोनों की है, ठेकेदार की लापरवाही नहीं। ठेकेदार ने तो अपना पैसा कमाने का काम था, उसको आसान काम उसने कर दिया, जो मुश्किल काम था वो किया नहीं, जबकि पानी देने के लिए लाइन डाली है, इतना करोड़ों रुपए का इस पर बजट खर्च किया है। ये किसी सरकार का पैसा नहीं है, ये हमारी जनता का पैसा है, हमारी जनता का पैसे को इस तरह बर्बाद नहीं होने दिया। हाउस की मीटिंग में देखिए जो हाउस की मीटिंग हुई इसमें भाजपा पार्षदों ने जनता के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई, जिसके लिए हम बहुत दुखद हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनको हमारे साथ मिलकर जनता की आवाज उठानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो पार्षद चुनके आते हैं किसी पार्टी से नहीं, जनता के लिए होते हैं। उन्होंने गलत अपने आका की आवाज बोलते रहे, हाउस की मीटिंग को डिस्टर्ब करते रहे। आपने देखा कि ऐसा पहली बार हुआ है, 34 मुद्दे पिछले ही हाउस की मीटिंग के थे जिस पर हम इंप्लीमेंट के लिए हमने आवाज उठाई, लेकिन भाजपा पार्षदों की वजह से वो 20 पर आकर रुक गए और नया एजेंडा तो कोई बात ही नहीं कर पाए। कितनी दुखद बात है, भाजपा को मैं समझता हूँ कि आगे आना चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए, लोगों ने जो उनको वोट किया है वो काम के लिए किया है, ना कि लोगों के खिलाफ जाने के लिए। नगर निगम के अंदर आवाज हम जो मेयर के मैडम के साथी हैं, एमसी हैं, तो आवाज़ तो शहर की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उठानी है। और बीजेपी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ आपने देखा, और सबसे बहुत बड़ी गलती कविता जैन जब मंत्री थी लोकल बॉडी, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की
जो पब्लिक हेल्थ का काम था पाइपलाइन डालने का या सीवर डालने का, वो नगर निगम को दे दिया। ठीक है जी, जिनको एक्सपीरियंस नहीं, जिनको पता नहीं, सिर्फ नोट बटोरने तक सीमित रहे। जो 3 फुट की पैप, मेहता जी कह रहे थे 3 फुट गहरी पैप पब्लिक हेल्थ डालती थी, लेवलिंग देखती थी कि पानी कौन सा नीचा एरिया है, कौन सा ऊंचा है, पानी कैसे जाएगा। इन्होंने कुछ देखा नहीं, इन्होंने तो आओ ना देखा ना खाओ देखा, इन्होंने फटाफट पैसे बटोरने के लिए कम खर्चे में पाइपलाइन डाल के अपने एस्टीमेट पास किए, और पास करने वाले भी इनके साथी हैं, और ठेकेदारों ने अच्छी लूट मचाई, जिसका नतीजा आपके सामने है। कबीर नगर के लोग पानी को तरस रहे हैं, लगभग 6 महीने या 7 महीने 8 महीने या साल जितना भी पीरियड हुआ पाइपलाइन डालों का, एक बूंद पानी नहीं आया। रात को 12 बजे सोने का समय होता है, कौन पानी भरेगा? ये माताएं बहने गेड़े काट रही हैं, विनोद शर्मा की कोठी में चक्कर लगा रही हैं, नगर निगम में चक्कर लगा रही हैं। तो भाई इनकी दुखद आवाज को सुनने के लिए मैडम जी ने बीड़ा उठाया, एमसीओ ने बीड़ा उठाया, मेहता जी का वार्ड है, इन्होंने बीड़ा उठाया, हम सब इनके साथ हैं। इनकी समस्या का हल निकाल के छोड़ेंगे, और इनके भ्रष्टाचार को नंगा करेंगे, और इनका दोबारा पाइप की इंक्वायरी, अभी चीफ साहब भी आए हुए थे, एक्शन वगैरह सारे आए हुए हैं, तो पाइपलाइन को दोबारा उखाड़ के सही 3 फुट पे डाली जाए, ताकि इन लोगों का पानी आए। ऐसी ऐसी कई समस्याएं हैं, ऐसी ऐसी कई भ्रष्टाचार के सबूत मिलेंगे, वो सब हम नंगा करेंगे और ओपन करेंगे, और लोगों की सुविधा के लिए हम हर कदम उठाएंगे। मैडम मेयर शक्ति रानी शर्मा और विनोद शर्मा तत्पर हैं इनके लोगों के दुख दर्द को बांटने के लिए। धन्यवाद। इस मौके पर मौजूद नगर निगम के चीफ इंजीनियर ने मौके का मुआयना किया और कहा कि इस दिक्कत को दूर किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि नगर निगम की टीम को 9 जगह का दौरा करना था, लेकिन एक पॉइंट पर दौरा करने के बाद सुल्तानपुर इलाके में पहुंचे अधिकारी खिसक लिए, जिसको लेकर पार्षद व इलाके के लोग खासे नाराज दिखाई दिए। मामला बढ़ता देख निगम की टीम दोबारा मौके पर तो पहुंची, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं कर सके। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।